करनाल के इंद्री के सरकारी अस्पताल में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य कर्मियों ने एक बैठक का आयोजन किया है। इस दौरान कर्मियों द्वारा कुष्ठ मुक्त भारत बनाने की शपथ भी ली गई है। इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे पोलियो कार्यक्रम, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2021, राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम व क्षय रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान इंद्री के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप अबरोल ने बताया कि कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को नहीं किया जा सका, लेकिन अब उन सब कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिनमें पोलियो, कुष्ठ रोग, क्षय रोग इत्यादि प्रमुख हैं। आज एक मीटिंग का आयोजन कर इन सब के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को पूरे देश में कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर सभी हेल्थ वर्करों ने कुष्ठ मुक्त भारत बनाने की शपथ ली है। ये शपथ सभी ग्राम पंचायतों में भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए, टीबी मरीजों का पता लगाने के लिए हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। यदि कोई टीबी के लक्षणों वाला मरीज मिलता है तो उसका पूरा इलाज स्वास्थ्य विभाग की ओर से फ्री में किया जाता है। उन्होंने कहा कि टीबी शरीर के प्रत्येक अंग में हो सकती है, लेकिन सबसे खतरनाक टीबी वो है जो एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे को होती है। उन्होंने टीबी के मरीजों के लिए कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी। डॉक्टर अबरोल ने कहा कि हरियाणा में कुष्ठ रोग लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोग का पता लगाने का काम अवश्य किया जाता है। आज हमने अपनी सभी ANMs को, जो हमारी फील्ड वर्कर्स हैं, हमारे मेल वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स, उन सबको यहाँ इंद्री CHC में बुलाकर हमारे कई सारे महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं जो अगले हफ्ते में हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो पोलियो का प्रोग्राम हम इस संडे को 3 दिन के लिए प्रोग्राम करेंगे। पिछली एक साल से लगभग हम 3 दिन का प्रोग्राम नहीं कर रहे पोलियो का कोविड की वजह से, परंतु अब हम 3 दिन का प्रोग्राम, जिसमें सभी 5 साल से छोटे बच्चों को हम पोलियो की बूंदें पिलाएंगे, एक तो उस प्रोग्राम के बारे में आज हमने चर्चा की, इनको ट्रेनिंग दी। उसके अलावा आज, जैसे हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी की आज डेथ एनिवर्सरी है, जिसको हम देश भर में कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत भी हम आज सब ने, हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं CHC के, इन्होंने यहाँ पर आज कुष्ठ मुक्त भारत को बनाने के लिए जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं उसके लिए सबने शपथ ली है। इसके बाद सभी ग्राम पंचायतों में भी ये शपथ ली जाएगी कि हम कुष्ठ रोग को मिटाने के हर जो प्रयास सरकार ने इतने सारे प्रोग्राम चला रखे हैं उसके अंदर हम पूरी तरह अपनी भागीदारी देंगे। इन दोनों प्रोग्राम के अलावा हमारा एक एल्बेंडाजोल का प्रोग्राम है जो अगले महीने में 22 तारीख से शुरू होगा, उसके बारे में हमने सभी अपनी आशा वर्कर्स और ANMs को बताया। और लास्ट में हमारा एक टीबी मुक्त भारत का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर हम एक्टिव केस फाइंडिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम घर घर जाकर उन लोगों को जिनको एक हफ्ते, दो हफ्ते की खांसी हो या बुखार हो, शाम को जैसे टीबी के जो लक्षण हैं, वज़न कम होना, बुखार होना, इन सब लक्षणों से जितने भी ग्रस्त लोग हैं उनको हम मोटिवेट करके उनके वहाँ से फील्ड से ही स्पूटम सैंपल उठाकर यहाँ टेस्ट के लिए लाते हैं, ताकि हमारे एरिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसको कोई टीबी के लक्षण हो और उसको हम टेस्ट, वो टेस्ट ना हुआ हो। मैं आपके माध्यम से ये सबको दोबारा बताना चाहूँगा कि चाहे टीबी हो, चाहे लेप्रेसी की हम बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से इन सभी रोगों का पूर्णतः मुफ्त इलाज मिलता है। टीबी का तो इलाज के अलावा मरीज़ को जब तक उसका इलाज चलता है उसको प्रति माह 500 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। टीबी का कोई भी अगर केस हमें पॉजिटिव केस बताता है, हमारी आशा वर्कर बताती है, तो उसको 500 रुपये नोटिफिकेशन के मिलते हैं। अगर कोई पब्लिक का व्यक्ति भी बताता है कि जी ये टीबी का पॉजिटिव केस, वो डिटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, तो उसको भी 500 रुपये सरकार की तरफ से मिलते हैं। टीबी के जीवाणु कैसे फैलते हैं? टीबी के जीवाणु जैसे हम खांसी करते हैं, क्योंकि बलगम की, ये बलगम से फैलते हैं ज़्यादातर, वैसे टीबी ऐसी बीमारी है जो शरीर के लगभग सभी अंगों में हो सकती है। ज़्यादा खतरनाक हम उस टीबी को मानते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति को फैलती है, जो बलगम के थ्रू फैलती है। हमारे
जो कफ एटिकेट्स हैं कि मतलब हमें खांसते हुए मुंह ढक के रखना है या इधर उधर बलगम नहीं फेंकनी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें ताकि, और दूसरा टेस्ट जल्दी कराएं। अगर किसी को हफ्ते डेढ़ हफ्ते की बलगम हो गई है तो ज़रूरी है कि वो टीबी का नियरेस्ट अपने सरकारी सेंटर पर बलगम की जाँच करवा कर, अगर टीबी के लक्षण या टीबी के कीटाणु मिलते हैं तो उसका तुरंत उसका इलाज करवाएं। टीबी बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज़ है, परंतु सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग उसकी डिले कर देते हैं इनिशिएशन में, और कुछ लोग जब थोड़ा सा जैसे ही दवाई शुरू होगी वो कम से कम 15-20 दिन महीने में उनके काफ़ी लक्षणों में आराम आता है। और अगर ऐसा मरीज लक्षण ठीक होने पर पूरी दवाई 6 महीने की नहीं कंटिन्यू करता तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा होता है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि अपना जल्दी से जल्दी, अगर किसी आस पड़ोस में कोई भी है ऐसा व्यक्ति, उसको टेस्ट के लिए आप यहाँ भेजें, और जिसका इलाज शुरू होता है वो अपना इलाज अवश्य पूर्ण करें। अच्छा, कुष्ठ रोगी भी हैं अपने एरिया में? हमारे एरिया में एट प्रेजेंट कोई एक्टिव कुष्ठ रोगी नहीं है। कुष्ठ रोग हमारे हरियाणा प्रदेश में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहा, मतलब ये कि जब हमारे पास हर 10,000 की आबादी पर एक भी केस नहीं रहता तो हम उसको पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं मानते। परंतु अगर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी हम अपने एरिया में एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए स्पर्श प्रोग्राम महात्मा गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है उस दिन से शुरू अवश्य करते हैं। अगर कोई माइग्रेंट लेबर हमारे पास आता है, हमारे को चाहे भट्टों पर आए चाहे हमारे ये दुकानों में कोई काम करने आए, हमें पता है कि बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों से आते हैं, तो इन सब में भी हम इसके क्या कहते हैं लेप्रेसी के लक्षणों का जाँच करते हैं। हमने आशा को अपनी सबको ट्रेन कर दिया है, वो मरीज़ों को यहाँ भेजेंगे जहाँ हमारे डॉक्टर अकॉर्डिंगली उनके लक्षणों को टेस्ट के लिए करनाल भेज के, अगर कोई निकल आता है ऐसा केस, उसका भी पूर्णतः मुफ्त इलाज सरकारी अस्पताल यहाँ इंद्री से उपलब्ध हो जाएगा। उसका पता कैसे लगता है भैया कुष्ठ रोग है? कुष्ठ रोग के देखो मुख्य लक्षण यही है कि आपका कोई भी ऐसा त्वचा पे वो एरिया बन जाता है जो सेंसिटिव नहीं रहे टच को। हम जैसे हमारी, हमें पता है कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हम हल्का सा भी कुछ टच करते हैं तो वहाँ पे उसको महसूस होता है हमारे को। परंतु कुष्ठ रोग में कुछ ऐसे पैच बन जाते हैं जिनके ऊपर जब हम टच करते हैं तो वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं आती। ऐसे ये इनिशियल लक्षण हैं। इसके अलावा हमारी जो नर्व्स है उनके अंदर झंझनाहट होना, कान के पीछे या और जगह झंझनाहट होती है तो भी वो कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर इस बीमारी का इनिशियल स्टेजेस पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये परमानेंट डिफॉर्मिटी में लैंड अप कर जाता है, यानी उंगलियां कट जाती हैं, उनकी टोटल हाथ जो हैं बिल्कुल वो हाथ पांव की उंगलियां काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म हो जाती हैं। इस स्टेज से हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी मरीज़ उस स्टेज पर पहुँचे, उससे पहले ही डिटेक्ट हो जाए। कुष्ठ रोग की भी यही समस्या है कि वो क्लोज स्पेसेस में साथ में रहने से फैल सकता है, तो इसका इलाज इसीलिए ज़रूरी है ताकि मरीज़ खुद भी सुरक्षित रहे और उसके आसपास रहने वाले भी सभी सुरक्षित रहें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.